भोपाल के रविंद्र भवन में नेत्र विभाग की जागरूकता अभियान के लिए इंदौर के डॉक्टर कमल गोस्वामी को पुरस्कृत किया गया है। भोपाल के रविंद्र भवन में गरिमापूर्ण कार्यक्रम में अनेक विभूतियों व प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। शैलेंद्र शर्मा, नरेंद्र वीरधारे, रमेश शर्मा, शिव कुमार चौबे राज्य मंत्री के द्वारा अनेक राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। कार्यक्रम के आयोजक पूर्व राज्य मंत्री दर्जा पंडित योगेन महंत एवं अटल कला संघ भारत सरकार दिलीप यादव थे। इसमें अंधेरे से उजाले की ओर अभियान के अंतर्गत अरविंदो हॉस्पिटल के कमल गोस्वामी को राष्ट्रीय अटल गौरव अवार्ड से सम्मानित किया गया। स्वास्थ्य शिविर, जागरूकता अभियान, नेत्रदान महादान के अंतर्गत अनेकों शिविरों के माध्यम से हजारों लोगों को रोशनी लौटाने का कार्य किया गया है। इसके पहले भी तत्कालीन प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति द्वारा कमल गोस्वामी सम्मानित हो चुके हैं। पुरस्कार मिलने के बाद कमल गोस्वामी ने बताया कि मुझे खुशी होती है, अंधे व्यक्ति फिर से दुनिया को देख सकते हैं। अभियान में मुझे अरविंदो हॉस्पिटल के चेयरमैन डॉक्टर विनोद भंडारी, कमल गोस्वामी ने बताया कि मुझे खुशी होती है अंधे व्यक्ति फिर से दुनिया को देख अभियान में मुझे अरविंदो हॉस्पिटल के चेयरमैन डॉक्टर विनोद भंडारी एवं डॉक्टर मंजू श्री भंडारी का समय समय पर मार्गदर्शन मिलता रहता है। अटल अवार्ड मिलने के बाद गोस्वामी ने खुशी जताई और कहा, मैं और अधिक परिश्रम से इस कार्य को करूंगा। इंदौर गांधी हॉल, आप सभी आमंत्रित हैं, सभी विद्वत जन आमंत्रित हैं। मैं आप सभी से एक बार फिर से आग्रह करता हूँ, 8 और 9 जनवरी इंदौर आमंत्रित है 34 वास्तु महासम्मेलन। हमारे पूज्य गुरुदेव पाटन वाले गुरु जी की स्मृति में आयोजित होने जा रहे महासम्मेलन में आप सभी साधन आमंत्रित हैं, सभी विद्वत जन साधन आमंत्रित हैं। धन्यवाद। आपका शुभ नाम? आमंत्रित है और